हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग मिसिंग वैल्यूज को कैसे इम्प्यूट करना है वो पढ़ रहे हैं, और हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि न्यूमेरिकल डेटा अगर है आपके पास तो उसको कैसे इम्प्यूट करना है। इस वीडियो में विल फोकस ऑन कैटेगोरिकल डेटा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जस्ट लाइक न्यूमेरिकल डेटा, कैटेगोरिकल डेटा में भी आपके पास दो तीन टेक्निक्स होती है। प्राइमरीली हम लोग दो टेक्निक्स के ऊपर फोकस करेंगे। फर्स्ट इज कि आप मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू से रिप्लेसमेंट करो, और सेकेंड है कि आप एक नया कैटेगरी क्रिएट कर दो बाय द नेम ऑफ मिसिंग। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और तरीके होते हैं जैसे कि रैंडम वैल्यू से फिल करना, बट ये सब टेक्निक्स न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर भी एप्लीकेबल हैं। दैट्स वाई मैं इनको एक अलग वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, मोस्ट फ्रीक्वेंट मिसिंग इम्प्यूटेशन। ओके, सो इफ यू रिमेम्बर, न्यूमेरिकल डेटा में अगर आपके पास डेटा जो था वो मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम होता था, और सिर्फ 5% या उससे कम वैल्यूज मिसिंग होती थी, तो आपको सजेस्ट किया जाता था कि आप मीन या फिर मीडियन इम्प्यूटेशन कर दो। बेसिकली सारी मिसिंग वैल्यूज को या तो मीन या फिर मीडियन से रिप्लेस कर दो। कैटेगोरिकल डेटा में यू कैन नॉट हैव मीन और मीडियन। दैट्स वाई आप क्या करते हो, आप मोड से रिप्लेस करते हो। मोड मतलब वो डेटा जो सबसे फ्रीक्वेंटली आपके वेरिएबल में आया हुआ है। ठीक है, जैसे कि अगर आप बात कर रहे हो कि सिटी बोल के एक कॉलम है जिसमें अलग अलग वैल्यूज हैं, मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता। अब सबसे ज्यादा बार मुंबई आया हुआ है, उसके बाद दिल्ली और उसके बाद कोलकाता। तो जितनी भी आपकी मिसिंग वैल्यूज हैं उनको आप रिप्लेस कर दोगे यूजिंग मुंबई। ठीक है, अब ये सेम टेक्निक कायदे से आप न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर भी लगा सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल डेटा में भी कुछ ना कुछ मोड होगा, बट वहां पे एक्चुअली ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है मीन और मीडियन वाला अप्रोच। दैट्स वाई मोड वाला अप्रोच उतना कोई यूज नहीं करता न्यूमेरिकल डेटा में, बट मोड वाला अप्रोच इज क्वाइट यूज्ड इन कैटेगोरिकल डेटा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक दो अप्रोच होने चाहिए, एक दो अजम्पशंस होने चाहिए। पहला अगेन जो मैंने आपको बोला, मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम। सेकेंड एक चीज होनी चाहिए कि आपकी जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे कि मुंबई है और दिल्ली है और कोलकाता है, सो आपका जो मोड है वो बाकियों से बहुत ज्यादा बार डेटा में आना चाहिए। आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आ रही है। द गुड पार्ट अबाउट दिस टेक्निक इज कि ये बहुत इजी टू इम्प्लीमेंट है, तो बहुत इजीली आप इसको प्रोडक्शन एनवायरमेंट में रेप्लिकेट कर सकते हो। और इसका जो डाउनसाइड है वो ये है कि आपके डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करता है। मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, और या दैट्स इट, बस इतना ही है इसमें। और मैं जल्दी से आपको एक और टेक्निक बता देता हूँ, मिसिंग कैटेगरी इम्प्यूटेशन। मान लो आपके पास कोई डेटा है सिटी बोल के, और उसमें तीन वैल्यूज है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बट उसमें बहुत ज्यादा वैल्यूज मिसिंग है, लाइक मान लो 10% या उससे भी ज्यादा वैल्यू मिसिंग है। तो इस केस में आप यहाँ पर मोड से रिप्लेसमेंट नहीं करते हो, क्योंकि अगर आप मोड से रिप्लेसमेंट करोगे तो आपको सही रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो इंस्टेड आपको क्या करना चाहिए कि आप इसको एक नया कैटेगरी बना देते हो बाय द नेम ऑफ मिसिंग। तो जहां भी आपकी एन ए वैल्यूज है वहां पे आप मिसिंग लिख देते हो। तो इन अ वे अब आपके डेटा में चार कैटेगरीज हो गई, मुंबई और मिसिंग, कोलकाता एंड दिल्ली। ठीक है, तो ये आप स्पेशली इसलिए कर रहे हो सो दैट आप अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को बता पाओ कि ये डेटा मिसिंग था और बाकी का डेटा मिसिंग नहीं था। ये सेम अप्रोच हमने यूज किया था न्यूमेरिकल डेटा के केस में भी। इफ यू रिमेम्बर, वहां पे भी दो तरीके हमने यूज किए थे। एक था आर्बिट्ररी वैल्यूज, जहां पे हम 99 या 999 या फिर -1 कुछ भी यूज करते थे हमारे एल्गोरिदम को बताने के लिए कि ये डेटा मिसिंग है, ये डेटा मिसिंग नहीं है। बाकी का काम ऑटोमेटिकली आपका एल्गोरिदम हैंडल करता था। यहाँ पे सिंस आप 99 और ये सब यूज नहीं कर सकते, आप इंस्टेड यूज करते हो मिसिंग वर्ड को। ठीक है, तो ये आपको तब यूज करना है जब आपका डेटा रैंडमली मिसिंग ना हो और बहुत ज्यादा वैल्यूज मिसिंग हो। ठीक है, और ये अप्रोच भी बहुत इजी टू इम्प्लीमेंट है, बिकॉज आपको बस एक नया कैटेगरी क्रिएट करना है। और इसका डाउनसाइड एज सच कुछ खास नहीं है, इट्स जस्ट कि एक रैंडमनेस सा आता है आपके डेटा में, विच इज नॉट गुड। मतलब आप ऑब्वियसली इम्प्यूट नहीं कर रहे हो, आप एक
सिंपली बता दे रहे हो कि वैल्यूज मिसिंग है, तो उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं देता है, बट अपने लेवल पे ठीक काम करता है, ठीक है। तो ये दोनों अप्रोचेस को मैं आपको जल्दी से कोड के थ्रू समझा देता हूँ। सो इफ आई गो टू द कोड, यहाँ पे मैंने एक नया डेटा सेट लिया है। ये एक हाउसिंग डेटा सेट है कैगल पे, बहुत फेमस एडवांस रिग्रेशन हाउसिंग डेटा सेट, और उसमें बहुत सारे कॉलम्स है एक्चुअली। उसमें अराउंड 85 कॉलम्स है, बट मैं आपको सिर्फ तीन कॉलम्स लेके दिखा रहा हूँ। इन तीन कॉलम्स में पहला कॉलम है फायरप्लेस क्वालिटी, सेकेंड इज गराज क्वालिटी, और थर्ड इज सेल प्राइस। सो बेसिकली फायरप्लेस किसी घर में होता है, उसका क्वालिटी क्या है, गैराज का क्वालिटी क्या है, सेल प्राइस वो घर कितने में बिका, ठीक है। फायरप्लेस क्वालिटी कैटेगोरिकल है, गैराज क्वालिटी भी कैटेगोरिकल है, सेल प्राइस आपका टारगेट है और न्यूमेरिकल है, मतलब ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है। और इसमें मैंने सबसे पहले ये निकाला कि कितना वैल्यूज मिसिंग है, तो मैंने जानबूझ के ऐसे दो कॉलम सेलेक्ट किए हैं जिसमें एक कॉलम में बहुत ज्यादा वैल्यूज मिसिंग है, 50% वैल्यूज मिसिंग है, और सेकेंड में थोड़ा कम वैल्यूज मिसिंग है, रफली अराउंड 5%, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पहले गैराज क्वालिटी के ऊपर काम करके, जहां पे कम वैल्यूज मिसिंग है। तो इसमें अगर आप कैटेगरीज देखो तो ये चार कैटेगरीज हैं, TA, FA, GD, EX, PO। अब मैंने बहुत ध्यान से इस डेटा सेट को एनालाइज नहीं किया है, बट GD मतलब गुड है, EX मतलब एक्सलेंट है, PO मतलब पुअर है, TA और FA का भी कुछ मतलब होगा, आई गेस फेयर होगा FA, TA आई डोंट अंडरस्टैंड राइट नाउ, बट जो भी है TA सबसे ज्यादा है मेरे डेटा में। और देर आर ऑब्वियसली मिसिंग वैल्यूज, ठीक है, यहाँ पे 5% मिसिंग वैल्यूज भी हैं। तो हम यहाँ पे क्या अप्रोच लगा रहे हैं सबसे पहले, अच्छा बाय द वे मैं गलत नोटबुक में आ गया, पहले हम फ्रीक्वेंसी वैल्यू इम्प्यूटेशन करेंगे। दोनों नोटबुक्स में सेम डेटा सेट यूज हुआ है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, सेम चीज है सब कुछ। तो वही 47% मिसिंग डेटा फायरप्लेस वाले में, 5% मिसिंग डेटा गैरेज क्वालिटी में, ठीक है, और ये वही सेम कैटेगरीज है, ठीक है। तो अगर मैं गैराज क्वालिटी में मोड निकालूं तो ऑब्वियसली आपको पता है कि TA सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो ये रहा वो TA, हमारा मोड मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, ठीक है। अब मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं कि हम क्या कर रहे हैं, हम KDE प्लॉट प्लॉट कर रहे हैं, PDF प्लॉट कर रहे हैं सेल प्राइस का, उन सारे रोज के लिए जहां पे गैराज क्वालिटी का वैल्यू TA है, और फिर हम सेल प्राइस का PDF प्लॉट कर रहे हैं उन सारे रोज के लिए जहां पे गैराज क्वालिटी का वैल्यू नल है। दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर कर रहे हैं, और कंपैरिजन करके ये समझ में आ रहा है कि आपका ये लेजेंड देखो, जहां पे भी TA है दैट इज ब्लू वाला, एंड हाउस विद NA मिसिंग वैल्यूज इज ऑरेंज वाला। सो यू कैन सी कि हमारा ब्लू वाला थोड़ा सा कम है हाइट में, लाइक जो आपका शेप है डिस्ट्रीब्यूशन का वो कम पीकेड है इन कंपैरिजन टू मिसिंग वाला, ठीक है। अब बस मैं आपको क्या करूंगा, मैं मिसिंग वालों को रिप्लेस करूंगा आपका मोड वैल्यू से, और मैं चेंजेस दिखाऊंगा इस ग्राफ में क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं, हम अभी ये जो है TA वाला वैल्यू, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर ले रहे हैं टेम्प, सो दैट हम इसको बाद में यूज कर पाए। बेसिकली इस ब्लू वाले कर्व को मैं स्टोर कर रहा हूँ सो दैट मैं बाद में इसको देख पाऊँ। और उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे मैं पैंडास का फिल एन ए फंक्शन यूज कर रहा हूँ टू इम्प्यूट द मिसिंग वैल्यूज बाय TA, जितनी भी मिसिंग वैल्यूज है उनको TA से रिप्लेस कर रहा हूँ। और अब अगर मैं एक्सेस देखूं, मतलब कैटेगरीज देखूं, तो यू कैन सी अब ये TA का जो हाइट है बार का वो और बढ़ गया, क्योंकि आपने सारी मिसिंग वैल्यूज को भी TA से रिप्लेस कर दिया, तो TA बढ़ गया, ठीक है। अब हम सेम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ये है मेरा ओरिजिनल वाला और ये है मेरा नया TA वाला, और इसको रन करने से यू कुड सी कि दोनों का दोनों मैच कर रहा है एकदम, ठीक है। पहले जो हालत था और अभी TA करने के बाद जो हालत है वो बिल्कुल सेम हो गया, ठीक है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपका जो मिसिंग वैल्यूज है वो बहुत कम है, तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है, मतलब पिछले वाले की तरह हो गया, ओके। सो दिस इज अ गुड थिंग। नेक्स्ट मैं आपको सेम चीज करके दिखाता हूँ उस कॉलम पे जिसमें 50% वैल्यूज मिसिंग है, ठीक है, दिस इज फायरप्लेस क्वालिटी। यहाँ पर एक और गड़बड़ है कि ये जो दो कैटेगरीज हैं ये लगभग बराबर हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप मोस्ट फ्रीक्वेंट से रिप्लेस कर रहे होते हो तो यू वॉन्ट कि एक कैटेगरी डोमिनेट करे बाकी कैटेगरीज को, यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है। तो आई होप आई लाइक आई आई हैव अ फील कि उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे मोड करने पे पता चला कि GD बोल के गुड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट कैटेगरी, और यहाँ पे भी मैंने सेम काम किया,
सेल प्राइस का पीडीएफ बनाया जहां पर भी फायरप्लेस क्वालिटी का वैल्यू गुड है, और सेल प्राइस का पीडीएफ बनाया जहां भी फायरप्लेस क्वालिटी मिसिंग है। एंड यू कैन सी कि हमारा जो कर्व है ये रहा, ऑरेंज वाला है अगेन मिसिंग वैल्यूज का, और आपका ब्लू वाला है जीडी वैल्यूज का, ठीक है। और अब अगर हम इम्प्यूटेशन करते हैं, फिर से मैंने टेम्प्रोरी स्टोर कर लिया है और यहाँ पे मैंने जीडी से फिल किया, और अब यू कैन सी कि ये वाला बहुत ज्यादा हो गया है जीडी टीए के कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज थी, 50% मिसिंग वैल्यूज थी। और अब जब मैंने किया तो यू कैन सी कि अभी भी लाइक द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सिमिलर, इट्स स्टिल डिफरेंट, बिकॉज आपके पास बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज थी और आपका जो कैटेगरी था वो डोमिनेट नहीं कर रहा था, तो बिकॉज ऑफ बोथ द रीजंस आपको मैप नहीं कर रहे आपका पीडीएफ, विच इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। सो अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंट वैल्यू इम्प्यूटेशन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो इस वाले कॉलम के ऊपर आपको नहीं लगाना चाहिए, दिस विल नॉट गिव यू गुड रिजल्ट, ठीक है। तो ये छोटा सा डिस्कशन आपके साथ करना था, और अब हम क्या कर रहे हैं कि हम आपको, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ साइकिट लर्न यूज करके आप ये सेम काम कैसे कर सकते हो, ऑल्दो हम ये डिस्कशन कर चुके हैं। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दिया, सिंपल इंप्यूटर क्लास को इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी में बस क्या यूज करना है, मोस्ट फ्रीक्वेंट, और बस आपको इम्प्यूटर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म में एक्स ट्रेन को पास कर देना है और एक्स टेस्ट को पास कर देना है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स निकालोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके फर्स्ट वाले कॉलम के लिए जीडी इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट कैटेगरी, एंड सेकेंड वाले में टीए इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट कैटेगरी, ठीक है। एंड दैट्स इट, बस इसको आप आगे जाकर के किसी भी एल्गोरिदम में प्रोवाइड कर सकते हो और वो अपना काम कर देगा, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट इम्प्यूटेशन टेक्निक, मोस्ट फ्रीक्वेंट वाला। जल्दी से मैं आपको मिसिंग कैटेगरी इम्प्यूटेशन भी बता देता हूँ, बिल्कुल सेम डेटा सेट, सब कुछ बिल्कुल सेम है, सो यू कैन सी सब कुछ एग्जैक्टली सेम है लाइक दिस। और यहाँ पे बस मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मेरे मिसिंग वैल्यूज है उसको मैं मिसिंग वर्ड से रिप्लेस कर रहा हूँ। सो वॉट दिस विल डू इज दिस विल क्रिएट अ कंप्लीटली न्यू कैटेगरी बाय द नेम ऑफ मिसिंग, दैट्स इट। यही होता है यहाँ पे कि आप अपनी सारी मिसिंग वैल्यूज को एक कंप्लीटली नया कैटेगरी दे देते हो मिसिंग, और वो फिर अलग तरीके से ट्रीट होता है आपके एल्गोरिदम के थ्रू, ठीक है। और लास्टली मैंने बस इस नोटबुक में दिखाया है कि हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट द सेम लॉजिक यूजिंग साइकिट लर्न। सो साइकिट लर्न में बस आपको कुछ नहीं करना होता, स्ट्रैटेजी कॉन्स्टेंट रखना होता है, फिल वैल्यू मिसिंग कर देना होता है, ऐसा आपने सेम न्यूमेरिकल डेटा के केस में लास्ट वीडियो में सीखा। और यहाँ पे अगर आप स्टैटिस्टिक्स निकालो तो दोनों ही कॉलम्स में आप मिसिंग वर्ड से रिप्लेस कर रहे हो अपने मिसिंग डेटा को, ठीक है। तो ये हो गया बहुत छोटा सा एक वीडियो ऑन कैटेगोरिकल डेटा। आई जस्ट वॉन्टेड कि सब कुछ लाइक कैटेगरीज में मैं डिवाइड करके पूरा ये टॉपिक कवर करूँ, हैंडलिंग मिसिंग डेटा, इसलिए न्यूमेरिकल का मैं अलग कर रहा हूँ, कैटेगोरिकल का अलग कर रहा हूँ, और इसके बाद रैंडम और एक दो जो अलग टेक्निक्स हैं उनका मैं अलग करूंगा, और मल्टी वेरिएट इम्प्यूटेशन के वीडियोस अलग होंगे, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एंटायर वीडियो, आई विल शेयर द नोटबुक्स, आप लोग एक बार जस्ट गो थ्रू देम, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, ओके। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।